नमस्कार दोस्तों, असली आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आयुर्वेद में पत्थर चट्टा और पाषाण भेद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह पौधा पथरी को निकालने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या यह पौधा, इसके पत्ते पथरी को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इसके पत्ते पथरी को निकालने में कारगर सिद्ध होते हैं और यह कामयाब है इसके पत्ते पथरी को तोड़ने में। अब दोस्तों, इसका उपयोग और कितनी मात्रा में और कब तक हमें इसका उपयोग करना चाहिए, मैं आपको यह बता देता हूँ। दोस्तों, हमें इसके पत्तों का उपयोग 3 से 4 माह तक लगातार रोज सुबह शाम 2-2 पत्तों की मात्रा में इसे उपयोग में करें। गारंटी आपका 3 से 4 माह में पथरी निकल जाएगी। शर्त यह है दोस्तों कि अगर किडनी की पथरी है और पेशाब की नली में पथरी है तो वहाँ आसानी से निकल सकती है दोस्तों 3 से 4 माह में, लेकिन पित्त की पथरी है, गाल ब्लैडर की पथरी है तो वहाँ नहीं निकलेगी। आपको मैं बता दूं, गाल ब्लैडर की पथरी इससे नहीं निकलेगी, आपकी किडनी की पथरी ही इससे निकल सकती है। बस शर्त यह है कि आपको इसे 3 से 4 माह 2-2 पत्ते की मात्रा में खाना आवश्यक है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं और इसे सेवन भी करना चालू कर देते हैं, 15 से 20 दिन तक सेवन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी तो पथरी कम नहीं हुई, या हमने जिस इलाज के लिए वीडियो देखा था वो इलाज हमारा दूर नहीं, वो परेशानी हमारी दूर नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक आप 3 से 4 माह इसके पत्तों को रोज़ाना यूज़ नहीं करेंगे, आपको एक भी आराम या कोई भी आराम नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।